सारे काम जो है हो गए हैं, अब बस मुझे एक दिन डिसाइड करना है। मतलब एक और चीज इस गाड़ी में दिखा देते हैं, जब से ये गाड़ी अज्जू भाई ने परचेज करी है तब से तो इसकी ना हाइप ही कुछ अलग लेवल की क्रिएट हो गई है। मेरे को तो पहले तो ऐसा गाड़ी का लगता है जैसे ना ये कोई ईवी कार होती है, मतलब बाकी उतरने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। ओके थैंक्स, गाड़ी किचन में बनी है और बाल जोड़ने के बाद हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज गेट से ना निकल के यहाँ से सीधा हम व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं। जिप्सी के जो हमने पार्ट्स हैं वो ऑर्डर कर दिए, अब उन पार्ट्स को आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक हमें करना पड़ेगा वेट। बाइक का जो काम है वो नहीं हो पाया था तो अभी मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स ले लिए हैं, एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए था, वो बैंक की जो पासबुक थी वो चाहिए थी। अभी सीधा जाएंगे केटीएम, जो बिलिंग विलिंग है वो सारा करते हैं और अभी एटीएम से जाके मुझे कैश भी निकलवाना है। और आज इसलिए जो है हम इसुजू लेके जाने वाले हैं, चलाने में मजेदार है अभी, मतलब ये भी हो जाएगी मजेदार बट अभी के लिए तो यही अच्छी है। और आज भी थोड़ा सा लेट है, लगभग 1 बजने वाला है तो अभी मैं निकल रहा हूँ। तो आजकल ये ट्रेंडिंग में चल रहा है। ओ भाई ध्यान से उतरो, सामने रहा एटीएम, नहीं तो बाद में क्या है कि एटीएम ढूंढने लगो ना तो इसमें भी बड़ा टाइम लग जाता है। फटाफट एटीएम से कैश निकलवा लेते हैं जो बिलिंग के लिए हमने देनी है। रुक जाओ भाई, लोग उड़ा देते हैं यहाँ, रुकते नहीं है। 40,000 निकालना है, 20-20 करके निकलेगा। 20 आ गया, 20 चले जा रहे थे वापस। ये है 40,000, 60,000 में वहां पे ऐसे दूंगा, लाख रुपया मैं दूंगा और बाकी जो अमाउंट है उसके जो है हम फाइनेंस करवा रहे हैं। पर इस महीने अगर मैं सच बात बताऊं तो मैंने बहुत पैसा खर्च कर, सेविंग्स का तो बुरा हाल होने वाला है मेरी। पता नहीं आप लोगों को पढ़ते हैं वहम नहीं पढ़ते, मेरे को बड़े वहम पढ़ते हैं। तो जैसे ना अभी मेरे को SBI की जो पासबुक है वो चाहिए, तो मैं क्रॉस चेक कर रहा था, फिर मैंने देखा कि हाँ SBI वाली ही पड़ी हुई है। ये ना मैं SBI की जगह HDFC या JK बैंक की डाल दी हो जल्दबाजी में, और होपफुली आज सारा बिलिंग विलिंग हो जाए, फिर एक अच्छा दिन देख के जो गाड़ी है वो हम ले लेंगे। ये जो आगे फॉर्च्यूनर जा रही है, इसके पीछे जो लाइट वाला फॉर्च्यूनर है ना, शायद आपको उतना क्लियरली नहीं दिख रहा है, ये जो नए वाली फॉर्च्यूनर ना उस मॉडल में आता है। तो यहाँ आप देख रहे हो कितना बेचारा जुगाड़ करके बिठाया हुआ है, बट शौक बड़ी चीज़ है, मतलब दूर से नहीं बट मैंने ऐसे गौर से देखा ना, जब दिल्ली में जो है 10 साल से ऊपर गाड़ियाँ चलती नहीं है, तो अब आप जैसे जम्मू में निकलोगे ना तो बहुत सी गाड़ियाँ आपको जम्मू नंबर में, फॉर्च्यूनर स्पेशली बहुत ज़्यादा है, मतलब जम्मू नंबर लगा होता है और जम्मू नंबर होता है लेटेस्ट। जैसे ये जो DA सीरीज है ये शायद 2020 से भी ऊपर की सीरीज होगी। तो ऐसी गाड़ी मैं भी सोचता था कभी कोई, मतलब दिल्ली किसी ब्रोकर के थ्रू ना किसी ओनर की गाड़ी ही डायरेक्ट मुझे मिल जाती। 2022 चल रहा है तो 2013 मॉडल अगर फॉर्च्यूनर हो तो वो कोई ओनर हो वो डायरेक्टली मेरे से बात कर ले तो मुझे गाड़ी मिल जाए तो ठीक प्राइस पे, बाकी नंबर बंदा यहाँ की रजिस्ट्रेशन करवा के उसको बात बराबर कर लेता है, तो वो बात की बात है। फिलहाल हमारा ये मुद्दा नहीं है, हम फिर मुद्दे से भटक रहे हैं, अभी तो KTM जा रहे हैं और जिप्सी रिस्टोर करवा रहे हैं। तो जो गाड़ी यहाँ पार करती है, कहाँ जगह मिल भी गई, क्योंकि वहाँ पार करो फिर 2 बार रोड क्रॉस करनी पड़ती है और सबसे रिस्की काम रोड क्रॉस करना ही लगता है मेरे को, क्योंकि बड़ी तेज आती है गाड़ियाँ। बैग मैंने साथ ही रख लिया क्योंकि कागज बड़े ज्यादा थे, फिर कौन सा लेना कौन सा छोड़ना, फिर सारे ही ले लिए मैंने। पहुंच चुके हैं हम KTM, मेरे को लगता है खाना वाना खा रहे हैं। हाँ रहा था, और यहाँ आ चुके हैं साहिल भैया, क्या हाल चाल है? ठीक हो? तो साहिल भैया भी सोचते होंगे कि मैं भी ना कोई फ्रॉडी आदमी हूँ, कल मैंने क्या किया इनको, मैंने बोला आप ना मेरा कागज का काम शाम करके रखो, मैं आपके पास आ जाऊंगा, फिर मैं आया। तो आज भी लेट है, अभी 1:30 बज चुके हैं और अभी जहाँ मैंने जाना है उनको मैंने 2 बजे का टाइम दिया है। साहिल भैया 2 बजे तक फ्री करोगे? नहीं आराम से, चलो कोई नहीं 2 बजे ये फ्री कर देंगे, आधा घंटा पहुंचने में लगेगा, फिर हम अपना अगला काम कर लेंगे और बाइक की डिलीवरी 1-2 दिन में जैसे भी होगा हो जाएगा। रख भैया हेलो बोलो कैमरे को। हेलो, क्या हाल चाल है? ठीक हो? बड़े सारे पैसे ले लेने हैं, कुछ छोड़ना है आपने? सारे नहीं पैसे के मामले में तो एक्चुअली कुछ हमारे पास कैश है, इसको गिनो आप, बाकी हम अपने YouTube वाले ATM से पे करेंगे। तो जी फाइनली जो डॉक्यूमेंटेशन का काम था वो सारा हो चुका है, सारे काम जो है हो गए हैं, अब बस मुझे एक दिन डिसाइड करना है। मैं आज 24 है, 25 को जो है वो तारा चढ़ना है और उसके बाद मैं एक दिन कोई भी देख के जो भी है बाइक ले लूंगा। फिलहाल के लिए यहाँ का सीन इतना ही है, अब मुझे जाना है नेक्स्ट एक कार रिव्यू के लिए, तो उन्हें भी मैंने 2 बजे का टाइम दिया था बट अभी मैंने उन्हें कॉल करा तो वो कह रहे हैं कि वो जस्ट पहुंचे ही हैं तो आधा एक घंटा उनको लगेगा। तो अभी मैं गाड़ी में आके बैठा,
एक्चुअली वहाँ ज्यादा लोग होते हैं फिर मैं उतना शूट नहीं कर पाता हूँ। तो पहली गाड़ी है मेरी नई गाड़ी, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो कुछ बड़ी मिक्स्ड सी फीलिंग आ रही है मुझे। अब मैं जिस दिन इसकी डिलीवरी लूंगा उसी दिन बता पाऊंगा। आज तो डॉक्यूमेंट्स का ही हो रहा था सारा काम। क्या है कि मैं ना एक वीडियो भी प्ले कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक मैं वहाँ पहुंचता हूँ तो गाड़ी के बारे में थोड़ी बहुत ऐसे नॉलेज भी होनी चाहिए। मतलब मैं बिल्कुल फर्स्ट इंप्रेशन ही क्या दूंगा, थोड़ा बहुत तो कुछ पता होना चाहिए। इसलिए साथ साथ मैं ये वीडियो भी देख रहा हूँ। मैं रॉन्ग यार, मतलब ऐसे आपको बीच में गाड़ी नहीं घुसानी चाहिए। देखो सिग्नल जब वो चल रहा है। तो गाइस फिलहाल हमने वीडियो बंद कर दी है और गूगल मैप्स पे लोकेशन डाल दी है हंटर्स रेंज करके। तो वहां पहुंचता हूं मैं और फिर मैं आपको वहां का भी सारा जो सिस्टम है वो बताता हूं। तो यहां से हमें मैप दिखा रहा है कि नीचे वाली साइड टर्न हो जाना। यहां तो जगह जगह बोर्ड भी लगे हुए हैं, ये देख रहे हो ना आप। एडवेंचर एक्टिविटीज, पेंट बॉल, एटीवी, टेंट स्टे, सब कुछ है यहां पे। आज तो जम्मू एक्सप्लोर हो रहा है। यहां पे ट्रेन का ट्रैक भी है, फाटक बंद तो नहीं है। डर लगता है वैसे ये ट्रेन की क्रॉस करने से। मतलब जम्मू में ये चीज मुझे मजा आया। मतलब जगह कितनी खूबसूरत सी है, अच्छा लग रहा है। डिफरेंट जगह कोई भी करते हैं तो यहाँ भी हम ऑफ रोड के लिए आ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा अगर मैं वहां से जल्दी फ्री हो गया ना, मैं यहाँ ना कोई ट्रैक ट्रूक भी ढूंढने की कोशिश करूंगा जहाँ पे ऑब्स्टेकल मिल जाए। यार बेसिक तो वही होता है कि अच्छे ऑब्स्टेकल मिल जाए, नई जगह हो, और क्या चाहिए। फाइनली जो है हम एंट्रेंस पे पहुंच चुके हैं और सामने भी कितना खूबसूरती से लिखा हुआ है। अब जैसे क्या है, मैं जम्मू से हूँ तो जम्मू में इस तरह की जगह नहीं होती हैं। आप समझ रहे हो, जिस तरह से एक फार्म हाउस टाइप बना है, आप वहाँ आ सकते हैं, इतनी सारी चीजें आप कर सकते हैं और वाइब भी है जगह में। मतलब जैसे मैं ये बोर्ड बना रहा हूं, ऐसा लगा जैसे जुरासिक पार्क का बोर्ड था ना। आइडिया जो आपको है यहां से लग जाएगा। पेंट बॉल या वो सब चीजें की नहीं है, बट हाँ ये कुछ इस तरह से है। तो ये MM550 होगी शायद। तो मैं आया तो डिफेंडर का रिव्यू करने हूं, बट मैं इस जगह को भी काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा हूं। ये देखो ऊपर साइकिलें भी है भाई, जिप लाइनिंग वगैरह भी है शायद। अमेजिंग। चलिए बस पहुंच ही गए हैं। मैप पे तो हमें दिखा रहा है जस्ट रीच। आप देख रहे हो सामने जिस गाड़ी के लिए हम आए हैं, द माइटी डिफेंडर। क्या लग रही है यार, मैं पहली बार इसे इतनी पास से और इतनी बारीकी से देख पा रहा हूँ। नहीं तो रोड पे चलते हुए तो देखी मैंने दो तीन बारी, बट नहीं। फिलहाल क्या है कि हम डिफेंडर को लेकर जाने वाले हैं एक अच्छी सी लोकेशन पे। क्या लगती है, और साइज की तो मतलब अनबीटेबल। ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह की जो लोकेशन है वो है। और हमारे साथ हैं गाड़ी के ओनर उत्तम सर। सर क्या हाल चाल है? गुड गुड। तो सबसे पहले तो भाई सर का बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला और इस गाड़ी के रिव्यू के लिए। बिकॉज जम्मू में मैंने ये गाड़ी तो बहुत बार देखी थी, बट क्या है कि वो रिव्यू का कुछ वैसा सीन बन नहीं पा रहा था। एंड फाइनली हम आ चुके हैं इस गाड़ी के रिव्यू के साथ और अभी एक अच्छी सी लोकेशन पे। सामने आप देख रहे हो, यहाँ पे हम गाड़ी लगाएंगे और आपको इस गाड़ी की हर एक डिटेल है वो बताएंगे और खुद का क्या एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करेंगे। हम आ चुके हैं रिवर साइड पे और गाड़ी तो आप देख ही रहे हो, एक बारी व्यू भी देखो। काफी अच्छा सा एक्सपीरियंस है। मतलब इसके साथ ना कंपैरिजन के लिए अगर कोई गाड़ी खड़ी हो ना तो फिर मैं आपको बताऊं क्या मैसिव ये गाड़ी लगती है। गाइस अभी क्या है कि इसमें ना रॉक क्रॉल मोड है, वो हमने ऑन करा है। एक और चीज इस गाड़ी में दिखा देते हैं, जैसे इसका सस्पेंशन है ना जो, वो आप अंदर से इलेक्ट्रॉनिकली उसको मतलब ऊपर और नीचे कर सकते हो। ये आपको दिख गया अगर, तो स्टेप बाय स्टेप होता तो ये एक इसकी बहुत सही चीज लगी है मुझे। तो अभी इसका सस्पेंशन जो हाई है, तो गाइस फिलहाल क्या है कि हम लोकेशन से जो है वापस आ चुके हैं और अब आ जाती है इसके फर्स्ट इंप्रेशन की बारी। आपने इसके ना प्रोफेशनल रिव्यूज बहुत से चैनल्स पे देख लिए होंगे, डिटेल्ड वीडियो बहुत से चैनल्स पे देख ली होगी। मेरे चैनल पे को देखने को वो मिलता है, वो होता है मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे गाड़ियों का शौक है, मुझे गाड़ियां बहुत ज्यादा पसंद है और मैं गाड़ी को फर्स्ट टाइम देख के फील करता हूं ना, वो मैं कोशिश करता हूं कि आपको एज इट इज बता पाऊं। अब जैसे देखो, अगर 4x4 गाड़ियों की हम बात करें इंडिया में, ये काइंड ऑफ टॉप एंड गाड़ी हम इसे कह सकते हैं। हाई रेंज की गाड़ियां हैं जैसे रैंगलर हो गई, जी वैगन हो गई और डिफेंड भी उसमें आती है, काफी बातें होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज तो भाई इस गाड़ी का जो साइज है ना, मतलब मैं बताऊं तो इसुजु वहां खड़ी है साइड पे, वो भी इसके सामने छोटी दिखेगी, इतना बड़ा इस गाड़ी का साइज है। इससे पहले जो डिफेंडर आया करती थी वो काइंड ऑफ थोड़ी सी रॉ गाड़ी थी, ऑफ रोड गाड़ी थी, रगेड थी, मतलब उसकी लुक्स वगैरह हम हर एक चीज को। लेकिन ये जो गाड़ी है ना, ये एकदम दिखती है आपको हाईटेक। जब से ये गाड़ी अज्जू भाई ने परचेज करी है, तब से तो इसकी ना हाइप ही कुछ अलग लेवल की क्रिएट हो गई है। चलिए, उनके चैनल पे तो आपने सारी चीजें देख ली होंगी। अब आगे हमारी बात, फर्स्ट लुक में इस गाड़ी को आप देख रहे हो ना, मेरे को तो पहले तो ऐसा
ऐसा गाड़ी का लगता है जैसे ना ये कोई ईवी कार होती है, मतलब देख रहे हो, क्योंकि डिफेंडर काइंड ऑफ इसमें कोई ग्रिल आपको वैसी नहीं मिल जाती है, अगर हम ग्रिल्स की बात भी करें ग्रिल मिलती है, और इसका साइज भी ना काफी कम सा है, ऊपर वाली साइड आप देखो तो कुछ आपको उस तरह से नहीं मिलता है, बट हाँ ये कोई ईवी गाड़ी तो नहीं है। डिफेंडर की जो आइकॉनिक लुक है, डिफेंडर में जो है गोल लाइट्स आती थी, उस चीज को थोड़ा सा इन्होंने कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश की गई है, पूरा गोल तो नहीं कहेंगे बट हाँ फिर भी एक इसको मॉडर्न टच के साथ, हाईटेक टच के साथ हर एक चीज दिखाई है। बाकी ये इसके यहाँ पे इंडिकेटर्स हैं। बॉनेट की अगर हम बात करें तो काफी लंबा चौड़ा बॉनेट है, नोज की शेप है काफी ज्यादा अच्छी है। इसके बाद अगर हम गाड़ी के साइड प्रोफाइल की बात करें, तीन मेट्रोर चलती है ना उस साइज की गाड़ी है। इसके व्हील्स की बात करें 20 इंच का इसमें व्हील आता है। डिजाइन की बात करें तो ये अच्छा है, जो मैंने वीडियो एक देखी उसमें काफी बेसिक वाला था, बट ये जो है डुअल टोन के साथ अलॉयज है, और इंडिकेटर जो है इसमें वर्टिकल दिए गए हैं, आपको दिख रही है छोटी सी चीज ये, तो ये जलती है। कुछ एसेसरी के लिए यहाँ पे बॉक्स लगा हुआ है। अगर हम ऊपर की बात करें तो इस गाड़ी पे क्या है कि रूफटॉप टेंट भी जो है वो भी लगा हुआ था। पीछे से अगर हम गाड़ी की बात करें तो कुछ इस तरह का लुक है। लाइट्स वाइट्स का डिजाइन आप देख रहे हो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। जो टायर है वो कवर ही है, सेम इसी अलॉय के साथ इसी स्पेक के साथ जो है इसका स्पेयर व्हील आता है। अगर आपकी गाड़ी कहीं पंचर वंचर हो रही है सीधा वो टायर लग जाएगा, ये नहीं कि ये अलॉय है तो वो रिम मिल जाए, जैसे मतलब कुछ गाड़ियों में होता है। तो जैसे क्या है कि हमारी गाड़ी में आप देखते हो कि स्नॉर्कल वगैरह जो है वो हमेशा राइट साइड पे होता है, बट इसका जो है लेफ्ट साइड पे है। स्नॉर्कल का डिजाइन भी कुछ अलग सा है, ठीक है, इसका ना वो मुंह निकला, स्नॉर्कल नहीं है, ऐसे मुंह निकला होता है, देखो कितना प्यारा सा लग रहा है। इसमें आपको ना फुटस्टेप नहीं मिलते हैं, ठीक है, तो इस गाड़ी में चढ़ने के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। अगर सस्पेंशन कम है वो भी थोड़ी सी दिक्कत होगी, और अगर तो सस्पेंशन ऊपर है तो थोड़ी सी ज्यादा दिक्कत भी हो सकती है, बट दैट्स नॉट अ बिग इशू, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई चढ़ ही नहीं पाएगा। बट हाँ एक बेसिक सी चीज बता रहा हूँ, क्योंकि ग्राउंड क्लीयरेंस को बनाए रखने के लिए फुटस्टेप नहीं दिए गए, क्योंकि फुटस्टेप से थोड़ा बहुत तो असर पड़ेगा ही ग्राउंड क्लीयरेंस पे। बाकी अगर हम गाड़ी के अंदर की बात करें वो कुछ इस तरह का जो लुक है, ऑटोमेटिक है, पेट्रोल है, स्टेयरिंग व्हील पे बैठ के कुछ फील जो है वो इस तरह का आता है, और डिफेंडर यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसमें ना मोड्स आते हैं। सनरूफ का जो साइज है वो काफी ज्यादा बड़ा है। इसका लीवर देखो कहाँ पे दिया गया, नहीं तो यहाँ पे होता है, यहाँ पे आपको कुछ मोड्स वगैरह मिल गए, जैसे इसका जो सस्पेंशन वाला है वो यहाँ से ऊपर नीचे होता है, बाकी हिल असिस्ट वगैरह ये सारी चीजें जो है यहाँ पे दी गई है। बाकी उतरने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी बट उतनी भी ज्यादा नहीं। पीछे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे एक प्लस चीज जो मैं आपको दिखा रहा था, ये जो है ना ये इसका व्यू, बाहर से आप देखो तो आपको नहीं लगेगा कि कुछ है, तो ये आपका साइड व्यू बनाए रखने के लिए इन्होंने इस तरह का यहाँ पे ग्लास दिया गया, ये एक चीज काफी ज्यादा अच्छी लगती है। ओके तो ये आप एक बड़ी सही सी चीज़ मुझे लगी कि मतलब लैडर के थ्रू, जब आपके पास टेंट अगर ऊपर लगा भी है तो आपको टेंट की लैडर खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से आप इस लैडर के थ्रू इस पे चढ़ उतर सकते हैं। और उस साइड जो बॉक्स है वो स्पेस वगैरह के लिए ना, बेसिकली ऑफरोडिंग है ना। अब बात करते हो आपके जूते पैंट्स अगर वो गारे कीचड़ में बनी है तो आप बाहर चढ़ा के उसको बॉक्स में डालो। ओके ओके तो आई एम यूजिंग इट एज अ बैग। ओके तो ये उस बॉक्स की यूटिलिटी, एक्चुअली मेरे को देख के समझ नहीं आया बट अभी सर ने खुद भी बता दिया। तो इसमें एक 7 सीटर ऑप्शन भी आता है बट ये जो है ये 5 सीट वाला ऑप्शन है, और इसी वजह से इसमें जो बूट स्पेस है काफी ज्यादा है। अगर आपकी खिड़की खुली भी रह जाए ना। ओके ओके तकरीबन जो प्रीमियम गाड़ियां हैं उन सब में ये फीचर जो है वो आता ही आता है। कुछ फ्रंट से जो लाइट्स हैं वो इस तरह से दिख रही हैं, इंप्रेशन वीडियो टाइप हमने बना दी है। तो चलिए अब निकलेंगे यहाँ से, शूट करके तो हम आ चुके हैं, तो शायद आपको भी आज ये चीज फील हुई होगी कि मैं ना उतना डिटेल में और उतना खुल के वीडियो नहीं बना पाया यार। उसका रीजन ये है, एक तो क्या है कि काफी देर से ना मैंने रिव्यू वगैरह करने भी छोड़ दिए। मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे गाड़ी अच्छी लगी। फेंडर नाम है अपना तो आपको पता ही है, अपनी प्रायोरिटी तो रेंगुलर पे ही है जब कभी भी बनेगी। एंड अ बिग शॉट आउट टू हंटर्स रेंच, ये जो फॉर्म हाउस है, गूगल मैप पे लोकेशन जो है वो मैं डाल दूंगा, तो अगर आप भी कभी आना चाह रहे हैं, बाकी मैंने आपको यहाँ पे चीजें दिखा दी हैं क्या क्या हो सकता है, तो जरूर आइए विजिट कीजिए। तो बस अभी यहाँ से निकल रहे हैं घर की तरफ। अभी दिक्कत क्या है कि इसके ना टायरों में हवा कम होती जाती है, पता नहीं क्या चक्कर है, मैंने कभी पंचर भी चेक नहीं करवाया, मतलब कम ही है, और अभी भी मेरे को लग रहा है सारे टायरों में जो हवा कम ही है। जल्दी फ्री हो गए तो यहाँ आगे पेट्रोल पंप है ना वो पंचर वाला होता है, उसी के पास जा रहा हूँ। पंचर है, वॉल लीक है, क्या मसला है, समझ नहीं आ रहा कितना वेट है इसमें टायर में, हवा बता रहा है भाई 40 है, तो ये तो ऐसे बैठा हुआ दबा हुआ लगता है बेचारा मेरे को, फिर क्या करना है, मेरे को लगा पंचर होगा। भाई साहब इधर तो कुछ खतरनाक ही मसला हुआ लगता है, उड़ के जाएंगे। ओरे भाई 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 तो डर गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने कहा यार ये क्या मसला है, तो वो एक्चुअली पीछे से स्कूटी वाला आ रहा था ना, उसको रोकने के लिए मुझे रोक रहे थे, लेकिन स्कूटी वाले ने जो कट मारा प्रो ड्राइवर ही होते हैं भाई, कुछ भी कर लो। जितनी स्पीड से स्कूटी वाला गया, अगर ये पुलिस वाले अंकल आगे आ जाते तो दोनों की कितनी खतरनाक भिड़ंत हो सकती थी और कितना नुकसान भी हो सकता था, है ना। चलो अभी मैं आया हुआ था एप्पल के सर्विस सेंटर, मेरा फ़ोन ना चलते चलते बंद हो गया, ये ऑन नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो मेरी ना बच गई, मैंने कहा आज का डाटा भी गया। मैं भागता हुआ वहाँ से आया, मैंने कहा सर्विस सेंटर सीधा मैं पहुँचा,
तो फ़ोन इसको पता नहीं क्या बीमारी पड़ गई थी, बट फाइनली ठीक हो गया, तो खुशी आई है मेरे को। मैं बड़ा परेशान हो गया था एक तो आ गई, तो बेसिकली फ़ोन ना पता नहीं इसको क्या हो गया, तो इसको कुछ कहते हैं हार्ड रीस्टार्ट होता है शायद, वो करना पड़ा। तो फिर अभी वापस आया हूँ, बाइक पे ही गया था क्योंकि ट्रैफिक था, मेरे को लगा सर्विस सेंटर इतनी देर में बंद हो जाएगा, फिर जल्दी से भागा, तो बड़ा ही मेस्ड अप हुआ काम। बट चलो ठीक है, फाइनली फ़ोन चल रहा है। तो मेरे को ये लगा कि यार शूट किससे करूँगा, जो आज की वीडियो शूट करी उसका क्या कल क्या आएगा, बड़ी सारी चीज़ें थी। तो आज की वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही है, सी यू नेक्स्ट वन, टिल देन बाय एंड टेक केयर, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।